दोस्तों, मैं आज जिस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023, आदि पुरुष, इंडियन फिल्म हिस्ट्री की महंगी तरीन फिल्म है। प्रभास, सैफ अली खान और कीर्ति सेनन इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, इस फिल्म का जो बजट है 700 करोड़ रुपया है और उसके VFX का बजट 350 करोड़ रुपया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी मेहनत की गई होगी और हमें अच्छे VFX देखने को मिलेंगे। यूजली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जस्ट लैक बिहाइंड विद गुड विजुअल इफेक्ट्स। एक और बात बताता चलूं कि मैं थोड़ा सा अभी रिलेक्टेंट हूं, मैं घबराया हुआ हूं क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। कुछ अर्से पहले इसका टीजर रिलीज हुआ था और जो क्रिटिसिज्म उस टीजर को मिला है, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों में वो कॉन्फिडेंस आएगा अनटिल दे वॉच द ट्रेलर और वॉच द फिल्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेकर्स हैं जिन्होंने टीजर रिलीज किया था, अपनी गलती से कुछ सीखा होगा और हमें मिच्योर फुली कुक्ड VFX देखने को मिलेंगे इस ट्रेलर में। तो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी है, 7,000 साल पुरानी है, तो भाई इस स्टोरी को संभालना आसान काम नहीं है। तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए देखते हैं ट्रेलर, देखते हैं कि क्या डायरेक्टर ओम राउत इसको संभाल भी पाए हैं कि नहीं। ये कहानी है मच बेटर मेरे मच प्रभु बेटर श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देही सैफ अली खान, ओके, सीता को अबडक्ट करने आए हैं। ओ टाइमलेस टेल, आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं। Well, प्रभास की जो हिंदी है बहुत क्लीन है, जबरदस्त है। फर्स्ट टाइम उनकी हिंदी इतनी जबरदस्त सुनने को मिली है। वेल डन। और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। कुछ कुछ जगह मुझे VFX बहुत वीक लग रहे हैं। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जो भी पाने लायक है तू पा चुका है। I like the dialogue delivery. तू राक्षसी है। Oh, finally. लक्ष्मी को पाले। सैफ को दिखाया है इन्होंने। Much better, much better. जय श्री राम। ओम राउत।
इसको बोलते हैं अपने गलतियों से सीखना। तो ट्रेलर तो बहुत जबरदस्त है, VFX is almost 90% I would say are matured, properly cooked, बहुत detailed हैं, जबरदस्त VFX हैं। सैफ अली खान का इंटरव्यू अच्छा दिया है पहले से, बहुत जबरदस्त है। जो टीजर उन्होंने रिलीज किया उसमें जो गलतियां की उसे उन्होंने सीखा। प्रभास की हिंदी बहुत जबरदस्त है, कीर्ति सनन का कोई भी डायलॉग नहीं सुनने को मिला, लेकिन यह क्या शी इज लुकिंग good as a Sita. So overall I think this film is going to be huge hit, kyunki I think sentiments jude hain zyadatar logon ke, ek religious sentiments ki baat kar raha hu jo us puri story ke sath jude hain. I hope ke insaaf kar paye, jab puri film dekhenge to pata lagega director producer writer itni badi film ko leke chale hain to koi soch ke hi leke chale honge. To trailer is overall good, 10% VFX is still undercooked, bahut cartoonish lag rahe the. हो सकता है जब फिल्म रिलीज हो जून में तो ये प्रॉपरली आई थिंक VFX उनको पॉलिश कर पाएंगे। सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट एंड आई ऑलवेज लव मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स डेफिनेटली फॉर मी वन टू वॉच। और जब ये रिलीज होगी हम देखेंगे और फिर उसके बारे में बात भी करेंगे। टू मी इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, नो डाउट अबाउट इट। आप लोग मुझे बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, और क्या ये 700 करोड़ रुपए का जो इतना बड़ा बजट है रिकवर कर पाएगा कि नहीं। मुझे लगता है पर्सनली कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ऊपर कितना कमाएंगे आई डोंट नो, एटलीस्ट 700 करोड़ रुपया तो कमा लेंगे इंटरनेशनली और लोकल मार्केट दोनों से मिला के। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम, बाय।